बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र में 10 अगस्त को एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ हुई लूट के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 79,000 रुपए, एक टैबलेट समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। दरअसल घटना देवरनिया थाना क्षेत्र की है, जहां 10 अगस्त को भारत फाइनेंस का एक कर्मचारी गांव के समूह से पैसे लेकर लौट रहा था। इस दौरान दो लुटेरों ने तमंचे के बल पर उससे 86,000 रुपए और टैबलेट लूट लिया था, जिसकी तहरीर मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने बहेड़ी थाना क्षेत्र में खिरनी निवासी सचिवेंद्र उर्फ सूरज और हरविंदर सिंह उर्फ बब्बू को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 79,000 रुपए, एक सैमसंग टैबलेट, आधार कार्ड, तमंचा और चाकू समेत कुछ अन्य सामान भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी सचिवेंद्र उर्फ सूरज ने बताया कि भारत फाइनेंस का कर्मचारी संतोष कुमार हर बुधवार को गांव में समूह के पैसे लेने आता था, जो उसकी पत्नी रीता और मां शकुंतला से भी पैसे लेकर जाता था। इस बात की उन्हें जानकारी थी, जिसके बाद लालच में आकर सचिवेंद्र ने अपने साथी हरविंदर के साथ कर्मचारी को लूटने की योजना बनाई और उसका पीछा करते हुए बांस भोज गांव के पास तमंचे के बल पर कर्मचारी को लूट लिया। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों का कोई भी पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोपियों से लूट की रकम और अन्य सामान बरामद हुआ है। ये 10 तारीख को एक घटना हुई है, जिसमें 86,000 रुपए और एक सैमसंग के टैबलेट और आधार कार्ड की कॉपी, उनके अपने फाइनेंशियल कंपनी के लेजर, ये सब चीज़ें लूटी गई थी। उसमें दो अभियुक्तों का नाम आया और उन दोनों अभियुक्तों को देवरनिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और लूट के जो 86,000 रुपये थे, उनमें से 79,000 रुपये बरामद किए गए हैं, जो बहुत अच्छा प्रतिशत है रिकवरी का। और इसके अलावा जो सामान गया था, सैमसंग टैबलेट आदि और लेज़र पेजेस वगैरह, वो सब बरामद किए गए हैं। और लूट में जो मोबाइल बाइक इस्तेमाल की गई थी, वह भी बरामद किया गया है। ये लोगों को, इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है, इससे पहले भी कई घटना कर चुके हैं या पहली बार? ये घटनाएं वैसे की हैं इन्होंने, अपनी बातों में बताया इधर उधर की घटनाएं, लेकिन अभी आपराधिक इतिहास इनका कोई नहीं था। ये पहली बार इस घटना में पकड़े गए हैं, इससे पूर्व में पकड़े नहीं गए। क्या ये समूह में किसी को जानकारी थी, किस तरह से पूरा प्लान बनाया इन्होंने, कैसे पता था कि पैसे के लेनदेन? पैसे के लेनदेन का मामला नहीं था, इनको टारगेट था कि कोई ना कोई लूट करनी है, और उसमें इन्होंने रेकी की थी कि ये व्यक्ति आते जाते हैं, तो इस व्यक्ति के साथ लूट का घटना इन्होंने अंजाम दिया। एक आरोपी उसकी पत्नी समूह से जुड़ी थी, समूह का पैसा इकट्ठा करके ला रहे थे ये समूह का पैसा इकट्ठा करके ला रहे थे और उसी जानकारी के आधार पर इनके घटना कारित की।